नमस्कार आदाब, आप सभी का स्वागत है सीआईबी इंडिया न्यूज पर। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। हरदोई में घुइयां की खेती करने वाले किसानों के लिए ये फसल घाटे का सौदा साबित हो रही है। मार्केट में उचित मूल्य न मिलने से किसान परेशान हैं। लॉकडाउन ने घुइयां किसानों के अरमानों पर पानी फेर दिया है। जिले के कई हिस्सों में घुइयां यानी अरबी की फसल करने वाले किसान परेशानी के दौर से गुजर रहे हैं। दरअसल बाजारों में कम खपत और उचित मूल्य न मिलने से किसानों के माथे पर शिकन साफ देखी जा सकती है। दरअसल घुइयां उसके पत्ते और उसकी जड़ें सब सब्जी के रूप में प्रयोग की जाती है। किसानों ने फायदे का धंधा समझ फसल बोई थी, लेकिन लॉकडाउन के दौरान अब उन्हें इसका उचित मूल्य नहीं मिल रहा है, जबकि इसकी खपत भी कम है। कभी इसका मूल्य 80 रुपए किलो था, लेकिन इस समय इसका मूल्य 40 रुपए ही मिल रहा है। अब बरसात आ गई, बरसात में खेतों में जल भराव की वजह से घुइयां की फसल को नुकसान पहुंचता है। बहरहाल अब किसान घाटे का सौदा साबित हो रही फसल को लेकर परेशान है। मैंने अरबी की फसल की थी, तब तक कोरोना वायरस लग गया और खेत में फसल खड़ी है, सड़ी जा रही है, बाहर कहीं जा नहीं रही है और बच्चे छोटे छोटे भी हैं, वो भी भूखों परेशान हैं और खेती पाती मेरे पास है नहीं और बाहर भी धंधा कोई पानी कर नहीं सकते, घर पे रहते हैं और ना अरबी का उचित दाम मिल रहा है, अरबी खेत में सड़ी जा रही है। खड़गपुर के रहने वाले, थाना हरपालपुर। हमारी अरबी की फसल में हमने कर्जा लेकर पैसा लाखों लगाया, मेरी फसल मंडी में जा नहीं रही, खराब हो रही है कोरोना वायरस के मारे। हम बहुत परेशान हैं भाई साहब।